सर अक्सर देखा गया है जब वैवाहिक डिस्प्यूट होते हैं, महिला जो है पत्नी है वो अपनी शिकायत लेके अदालत में पहुंच जाती है, जहां पर उसके पास कोई सबूत नहीं होते, कोई एविडेंस नहीं होते, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डीवी के तहत या 125 के तहत एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद पति पक्ष को नोटिस भेजा जाता है, पति पक्ष अपना जवाब दाखिल करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक इतना है कि पति पक्ष के पास जो सबूत हैं वो क्या उन्हें अपने जवाब के साथ ही दायर कर देने चाहिए या बाद में लगाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे करना चाहिए। देखो, जब मैट्रिमोनियल इश्यू स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे बेसिकली तीन तरह के केसेस आते हैं। एक तो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का आता है जी, एक डोमेस्टिक वायलेंस का डाला जाता है महिला कोर्ट में, तीसरा होता है 498 जो की एफआईआर होती है, वो स्टेट केस होता है, उसका चार्जशीट फाइल होती है। तो बेसिकली इसके अंदर डीवी एक्ट के अंदर और मेंटेनेंस केस के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की जो स्टेज होती है, मेन स्टेज उसी को माना गया मैट्रिमोनियल केस में। वो जो जीत गया समझो 90% केस है वो उसके पक्ष में है, चाहे वो वाइफ साइड जीत गई चाहे वो हस्बैंड साइड। इसमें जीत हार का मतलब ये है कि हाई पावर और लो पावर, मेंटेनेंस हाई पावर में हुआ तो वाइफ के फेवर में जाएगा, लो पावर में हुआ तो हस्बैंड के फेवर में जाएगा। तो अगर वाइफ की अर्निंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे उसके जॉब के हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हो गई, या ईपीएफ की डिटेल्स हो गई, या एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, वैसे तो एक जजमेंट है नेहा, रजनीश नेहा वाली, उसके अकॉर्डिंग एफिडेविट फाइल करना होता है, उसमें सब चीजें अपनी डिस्क्लोज करनी होती है। ये सर जो रजनीश नेहा वाली जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी नवंबर 2020 में, तो इसमें दोनों को कहा गया था कि लड़का और लड़की यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी पूरी डिटेल जानकारी सभी देनी है, जैसे बैंक अकाउंट वगैरह। और अक्सर देखा गया है कि लोग इन चीजों को छुपाते हैं, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। क्या होता है, एफिडेविट तो दोनों पार्टीज को देना है, लेकिन जो वाइफ साइड होती है अगर वो डिस्क्लोज अपनी एक्चुअल इनकम कर देगी तो मेंटेनेंस जो है वो लो पावर में होगा, डिनाई भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कई बार कंसील करते हैं, या फिर हस्बैंड है उसकी काफी सैलरी अच्छी होती है वो कंसील कर लेता है कई बार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ साइड ही कंसील करती है, हस्बैंड साइड भी कई बार कंसील कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारा जो आपका क्वेश्चन था एविडेंस के ऊपर कि एविडेंस कब प्रोड्यूस करना है। अगर कोई ऑथेंटिक आपके पास डॉक्यूमेंट है जिससे प्राइमरी फेसी ही डिस्क्लोज हो रही है, पता चल रहा है कि भाई वाइफ की या हस्बैंड की इतनी इनकम है, वो तो हमें अपने जवाब के साथ WS के साथ ही दे देने चाहिए, क्योंकि प्राइमरी फेसी वो दिख रहा है। लेकिन हम साथ में जैसे कोई हमें अकाउंट नंबर पता है सिर्फ, लेकिन उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम 340 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, साथ में 91 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि बैंक से वो जो पर्टिकुलर वो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट है मंगाई जा सके, या फिर वाइफ या हस्बैंड साइड ITR फाइल करते हैं जो कि उन्होंने कंसील कर ली, कि हम ITR फाइल ही नहीं करते ऐसा उसके अंदर डिस्क्लोज करते हैं तो कंसीलमेंट हो गई। तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मंगाने के लिए 91 CRPC में हम कॉल कर सकते हैं। तो सर ये 91 CRPC हमें कोर्ट में लगानी है और RTI है उससे भी हम ये ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 91 CRPC के अंदर तो हम कोर्ट में ही कॉल कर सकते हैं, कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट नोटिस करेगी तब वो डॉक्यूमेंट आएगा। उसके बाद अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आई है यश मल्होत्रा वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, AIO इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CIC की जजमेंट है, रिसेंटली आई है। CIC मतलब के हेडक्वार्टर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जी, जहां पर सेकंड अपील लगाई जाती है, जैसे PIO के पास पहले एप्लीकेशन लगती है फिर
फर्स्ट अपील के पास रखते हैं, फिर सेकंड अपील आप सीआईसी में जाते हैं, वहां लगाई जाती है। तो सीआईसी की बड़ी अच्छी जजमेंट आई है, जिसके अंदर अगर मैट्रिमोनियल आपके केसेस चल रहे हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज जो है डिसाइड होने हैं उसके, अगर आपके चल रहे हैं और कोई कंसीलमेंट होती है, चाहे वो हस्बैंड साइड से है चाहे वाइफ साइड से है, तो जो स्पोज है, जो एग्रीड पार्टी है, वो आरटीआई फाइल करके वो जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो पत्नी पक्ष हो या पति पक्ष हो, दोनों ले सकते हैं। देखो कानून सबके लिए बराबर है, वुमेन्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। उनके लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं, जो कि मेंटेनेंस केसेस वगैरह हस्बैंड नहीं क्लेम कर सकते लेकिन वाइफ क्लेम कर सकती है, लेकिन आरटीआई एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है जी। उसके अंदर हस्बैंड भी जा सकता है, वाइफ भी जा सकती है सीआईसी, पहले पीआईओ, पूरा प्रॉपर चैनल से जाएंगे, पहले पीआईओ के पास, फिर फर्स्ट अपील, फिर सेकंड अपील, उसके बाद भी हाईकोर्ट वगैरह में आप फाइल कर सकते हो, प्रोविजंस हैं। लेकिन सीआईसी की बड़ी अच्छी जजमेंट आई है, उसको उसके बारे में हम किसी और वीडियो में किसी और दिन डिटेल से हम उसके बारे में कर लेंगे, आज क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, एविडेंस कब प्रोड्यूस करने चाहिए, उसी भी आते हैं। अगर फाइनेंशियल रिलेटेड है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्राइमरी फेसिस दिखाई दे रहा है कि वो जॉब कर रही है या उसकी क्वालिफिकेशन के आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो वो तो आपको डब्ल्यूएस के साथ ही लगाने चाहिए जी। लेकिन जो क्रुएल्टी के, आपके जो क्रुएल्टी के एलिगेशंस हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई एविडेंसेस हैं, जैसे कोई वीडियोस हो या फोटोग्राफ्स हो, जैसे कि आप मैरिज फंक्शन में गए हो, जैसे कि एलिगेशन होता है कि मुझे मारा पीटा करते थे, मुझे कुछ नहीं रखते थे, ये सब। लेकिन जो हस्बैंड साइड होते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, वो उनको घुमाने भी लेके गए होते हैं, हनीमून वगैरह काफी जगह, कभी मूवीज वगैरह के लिए गए होते हैं, तो उसकी फोटोग्राफ्स होती है जिसमें वो खुश दिखाई दे रही है, कोई फैमिली फंक्शंस होते हैं, किसी की वेडिंग होती है, बर्थडे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे पुट करने चाहिए। इसमें सर जैसे कि कई बार देखा गया है कि अगर पत्नी बीमार हो जाती है तो पति पक्ष की तरफ से उसका इलाज करवाया जाता है डॉक्टर्स के पास जाकर, तो क्या वो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी उसी वक्त लगाने चाहिए या क्रॉस एग्जामिनेशन? जो जैसे कई वाइफ्स साइड से ये एलिगेशन होता है कि मैं बीमार हो गई, मेरा इलाज नहीं करवाया जी, लेकिन हस्बैंड ने करवाया होता है, उसके पास उसके प्रिस्क्रिप्शन बिल्स वगैरह, मेडिकल बिल्स वगैरह सब कुछ होता है, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे उसको पुट करने चाहिए कि हाँ जी ये आपका ये डॉक्यूमेंट्स है कि आपके हस्बैंड ने इसके लिए पे किया था या कुछ है, तो वो उस स्टेज के ऊपर लगाओ। लेकिन जो फाइनेंशियल और एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वाइफ की, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास प्राइमरी फेसी है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करने के लिए, वो आप इंटरिम से पहले डब्ल्यूएस के साथ ही दे देने चाहिए। बाकी क्रुएल्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको या तो अपने डिफेंस एविडेंस के टाइम पे लगाओ या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे पुट करने चाहिए। तो देखा आज हमें प्रदीप सचदेवा जी ने कितने अच्छे ढंग से समझाया कि पति पक्ष को अपने जो एविडेंस है, जो उनके पास सबूत है, वो किस केस के किस स्टेज पे लगाना चाहिए। आगे और भी इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि जस मल्होत्रा की नई जजमेंट आई है जो कि पति और पत्नी दोनों के पक्ष में है, पति और पत्नी थर्ड पार्टी के रूप में नहीं उसमें गिने जाते, तो अगले वीडियो में हम लोग जस मल्होत्रा वाली जजमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वीडियो बनाएंगे। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, और पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और आगे शेयर करें। नमस्कार।